देख रहे हैं कलांचल टाइम्स, आपके साथ मैं हूं दीपिका मेहता। एक तरफ जहां कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी को लेकर लोग तंग और परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंचायतों ने गांव-गांव में जाकर असहाय गरीब तबके के लोगों को काफी मदद की है। वहां पर साबुन और मास्क का वितरण करवाया है और साथ ही साथ भोजन की भी उपलब्धि कराई है। इसके साथ ही साथ ये निर्देश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी संदर्भ में आइए देखते हैं खास बातचीत। मैं आपके न्यूज के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे भारतवासियों को ये कोरोना जैसी महामारी में सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, उन सारे लोगों को मैं अपनी ओर से नमस्कार जोहार प्रदान करता हूँ। काम कर रहे सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार, भारत सरकार के द्वारा जो पहला जनता लॉकडाउन के बारे में जो चर्चा हुआ और 22 तारीख को भारत सरकार के निर्देश के अनुसार सारे लोग जनता कर्फ्यू का अच्छे तरह से पालन किया और ये हमारे पंचायत में नहीं बल्कि सभी जगहों में इसका पूरी तरह से पालन किया गया और उसी पालन के अनुसार हमें ऐसा महसूस हुआ कि सरकार अचानक जो है 24 तारीख को पूरे देशव्यापी लॉकडाउन का निर्णय लिया और वह निर्णय हमें लगता है काफ़ी ही महत्वपूर्ण और जन कल्याण के बारे में लिया गया है। और इसी संबंध में जहाँ तक बात है पंचायत स्तरीय कार्य करने की, हमें अपने पंचायत में जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका लगभग 10 साल से मिला हुआ है और मैं अपने अनुसार से पूरे पंचायत में हैंडबिल बनवा करके और लाउड स्पीकर के माध्यम से पूरे पंचायत में अनाउंसमेंट करवाया, साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया कि आप अगर घर से अगर बाहर निकलते हैं किसी ज़रूरी काम से तो आप बगैर मास्क लगाए घर से ना निकलें और अगर आपको अगर किसी प्रकार का ज़रूरी नहीं है तो आप अपने घर पर रहें और घर से ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें और यह कोरोना जैसी महामारी जैसी बीमारी को रोकने के लिए एक ही विकल्प है, अपने घरों में रहना और जहाँ भी भीड़भाड़ हो वैसे जगहों पे ना जाना और दूसरों को एक जागरूक करना है कि आप भीड़ भाड़ के जगह पर ना जाएं। इसी प्रकार का हमने कार्यक्रम किया है और 22 तारीख तक यानी 24 तारीख तक जितने भी लोग हमारे पंचायत में बाहर से आए थे सारे लोगों का हम लोग घर में जा कर के एक पोस्टर चिपकाया जिसमें लिखा गया था कि आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि इस घर में बाहर से आए हुए व्यक्ति रहते हैं, अतः निर्देश है कि वे घर में ही रहें और अन्य व्यक्ति उनके संपर्क में अगले 14 दिनों तक नहीं जाएं। और इसी के साथ कोरोना वायरस है जानलेवा और छुआछूत की है बीमारी, आप इससे बचें और समाज को भी बचावें, जनहित में है जारी, नहीं मानोगे तो हो सकता है महामारी, ऐसे श्लोक के साथ उनके घरों में हम लोगों ने पोस्टर चिपकाने का काम किया और हम लोगों ने पंचायत भवन में भी बेड का व्यवस्था किया, क्वारंटाइन का व्यवस्था किया और बहुत सारे लोगों को जो बाहर से आए हैं उनको अपने अपने घरों में जो है इसका पालन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ जो हमारे पंचायत में गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा जो 10,000 रुपया पूर्व के सरकार ने जो दिया था उन पैसे से हम लोगों ने चावल खरीद करके वैसे व्यक्ति गरीब परिवारों को चिन्हित करके बांटने का काम किया है। इसके अलावे जो व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है यानी लाल कार्ड नहीं है वैसे व्यक्तियों का हम लोगों ने चिन्हित करके 10-10 किलो चावल देने का काम कर रहे हैं और सरकार के द्वारा कुछ सूखा राशन भी हम लोगों को दिया गया था, चूड़ा गुड़ और चना, वह भी हम लोगों ने लोगों के बीच में वितरण किया है। आज इस महामारी से पीड़ित लोगों के लिए जो बाहर मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए भी हम लोगों ने
वार्ड बाय वार्ड बैठक करके लोगों से पासबुक का खाता नंबर, आधार नंबर ये सब प्राप्त कर रहे हैं और सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार हम लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पंचायत में मुख्यमंत्री दीदी किचन दो दो सेंटर चलाया जा रहा है, जहां आवश्यकता अनुसार वैसे व्यक्तियों को भोजन मुफ्त में देने का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा सरकार का जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, इसके लिए हम लोग कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और निश्चित तौर पे हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने पंचायत में इस तरह की बीमारी नहीं फैलने देंगे, इसके रोकथाम के लिए पूरे ताकत हम लोगों ने लगाया हुआ। आपके द्वारा पंचायत में कितने मास्क की वितरण? पंचायत में मैं अपने पर्सनल 400 मास्क का वितरण किया हूँ, वो अपने खर्चे से किया। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग ये करते हैं कि जैसे कि बाहर जो मजदूर फंसा हुआ है उनसे अभी जैसे कि सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है कि ऐप में आप अपना पूरा बायोडाटा को डालें और जिस लोकेशन में है वहाँ का आप लोकेशन ऑन करें तभी आपको पैसा भेजा जाएगा। तो हमें लगता है कि ऐसे में 70% जो मजदूर है उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा और वंचित रह जाएगा। इसलिए सरकार को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि जिस प्रकार आप एक मुखिया पर भरोसा करते हैं और भरोसा करते हुए इतने सारे कार्य करने का जिम्मेदारी सौंपे हैं, उसी प्रकार उनके भरोसे के अनुसार से जो मजदूरों का सूची जो आपके तक भेजा जा रहा है उनके खाते में यथाशीघ्र पैसा भेजने का काम किया जाए ताकि उनको तुरंत में राहत मिल सके। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो वो तो संभव नहीं है ऐप में लोड करने का, और अगर 20,000 का मोबाइल अगर रखने का क्षमता होता वो दिल्ली, पंजाब और बम्बई शहर में काम करने नहीं जाता, वो हमारे झारखंड में रह करके अपने घर और परिवार का गुजर बसर कर सकता। आपके पंचायत में मुखिया जी ने क्या क्या कार्य किए हैं कोरोना में, क्या क्या बांटे हैं?